Hello friends, our next video about the point defect in non-stoichiometric compound, या जिसे आप कहते हैं non-stoichiometric defect. इससे पहले के वीडियो में आपने क्या ऑब्जर्व किया था, आपने वहां पे शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इन सभी के बारे में आपने ऑब्जर्व किया था. आज के वीडियो में हम लोग जो है non-stoichiometric compound की बात करेंगे, और non-stoichiometric compound में जो डिफेक्ट पाया जाए उसे non-stoichiometric defect कहते हैं. तो हमने आपसे चर्चा किया था स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब है, जैसे कोई भी कंपाउंड है, अगर कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में जो रेशियो है, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, अगर ये सपोज करिए, हमने मान लिया सपोज करिए अगर मान लीजिए यहां पे जो कैटायन और एनायन का है, मान लीजिए कैटायन और एनायन दोनों 100-100 है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड. और जो डिफेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड और जो डिफेक्ट होगा उसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब इसमें रेशियो क्या हो जाए, ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, जो ये रेशियो कैटायन एनायन का है, ये रेशियो क्या है, यहाँ पे सेम, दोनों देख रहे हैं दोनों रेशियो सेम है, अगर यही यहाँ पे हो जाए, ये 90 हो जाए और ये 100 हो जाए, या ये 100 हो जाए ये 90 हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, और इस तरह से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. इस तरह से डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो इस तरह से हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, इसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं. वैसे भी आप जानते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं, वो नॉर्मली आपने लेंथेनॉइड एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में ऑब्जर्व किया है. कुछ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड भी शो करते हैं, मोस्टली ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जो है इस तरह का जो है शो करते हैं, यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बिहेवियर, स्टोइकियोमेट्रिक बिहेवियर ऑब्जर्व मेनली बाय ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड और सम लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, सम लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये सब कुछ इसके कॉमन एग्जाम्पल है. यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बिहेवियर आप मेनली किसमें ऑब्जर्व करते हैं, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में, और साथ ही साथ कुछ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कंपाउंड में आप इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं. अब आइए देखते हैं ये डिफेक्ट आखिर क्रिएट कैसे होता है. ये डिफेक्ट दो तरह का होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो है दो तरह के डिफेक्ट शो करते हैं. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड शोज टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं. एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल मीन्स यहां पॉजिटिव आयंस है, मेटल का मतलब यहां मेटल से अगर आप बात करेंगे तो हमेशा जान लीजिएगा पॉजिटिव आयन की बात हो रही है, और यहां है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. तो इसका मतलब है अगर इसमें आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारा मैटर क्या है, पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन, जो पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है उसी से रिलेटेड है इस तरह का डिफेक्ट. यानी वी कैन से दैट की पॉइंट इसका क्या है, इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट depends upon the
depends upon the पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, इसी पे डिपेंड करना है, यानी सारा रोल किस चीज का है, पॉजिटिव आयन का। ये इसका की पॉइंट एक प्रकार से आप समझ लीजिए, पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन यहां लो और पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन यहां क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। अगर पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन यहां लो हो रहा है, यानी यहां हाई हो रहा है, पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन हाई इसमें होगा। और इसके बारे में कहा जाता है इट डेवलप्स ड्यू टू पहला लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव आयन किसी लैटिस में तभी बढ़ सकता है जब वहां से निगेटिव आयन निकल जाए। तो इट डेवलप्स ड्यू टू एनायन वैकेंसी, यानी एनायन अपना स्थान छोड़कर के लैटिस से अगर निकल जाए तो वो क्या बना लेगा, तब भी पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और दूसरा है, अगर कोई एक्स्ट्रा कैटायन, कोई भी एक्स्ट्रा कैटायन वो आकर के ऑक्युपाई कर जाए इंटरस्टिशियल साइट में, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, ये दो कारण है जिसकी वजह से हम लोग जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। अभी इनको इंडिविजुअली हम लोग पढ़ा जाएगा। अभी अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लो हो जाती है। अगर पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लो हो जाएगी तो यह भी डेवलप्स करता है, इट डेवलप्स ड्यू टू इसमें यही हो गया, यहां एनायन निकल रहा था तो प्लस बढ़ रहा था, यहां अगर जो है क्या हो जाए, कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है, या इसको लिख देता भी बताएं, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। अभी कैसे ये क्रिएट हो, जब प्लस निकलेगा तब प्लस ही निकलना है, प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगा तभी तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। और दूसरा हो सकता है ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टीशियल साइट। तो इसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एनायन की साइज जो होती है वो लार्ज होती है, एनायन की साइज लार्ज होने की वजह से एनायन जो होता है वो इंटरस्टीशियल साइट में आसानी से एकोमोडेट नहीं हो पाता है। इस वजह से ये डिफेक्ट बहुत रेयरली फाउंड होता है, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं रेयरली फाउंड। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की एक शर्त है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वही मेटल्स करेंगे जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब जो मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वही मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट शो करेगा। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट शोन बाय दोज मेटल्स Which shows variable oxidation state, ऐसे metal जो variable oxidation state show करते हैं वही इस तरह का metal deficiency defect observe करेंगे। तो आइए, अब ये तो कुछ इसके बारे में था, अब इसको हम लोग observe करते हैं। आप जानते हैं ये डिफेक्ट क्रिएट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में ढेर सारे चेंजेस आते हैं जिनको हम लोग इंडिविजुअली जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले आइए मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखते हैं। अगर हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप अगर चर्चा करिए, हम लेकर साथ साथ चल रहे हैं,
it develops due to पहला due to anion vacancy और दूसरा है due to extra cation occupying interstitial site due to extra cation occupying interstitial site ये दो हैं, ठीक। हम दोनों को साथ साथ ऑब्जर्व कर लेते, दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी इसको देखा जाएगा। तो यहां पे हम इसका एग्जाम्पल लेके लेते, उसी से एक्सप्लेन भी कर लेते। एग्जाम्पल हमने लिया NaCl, कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिएगा, एक एक करके प्रॉपर्टी भी बताएंगे। तो NaCl की बात करते हैं, अगर जैसे हमने लैटिस ले लिया, सपोज करिए कोई भी लैटिस ले लिया Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस, इस तरह से एक लैटिस ले लिया NaCl का और उसमें हमने RNA लैटिस ले लिया, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर आप ध्यान देने वाली बात है तो यहां पे आप देखिए 6 Na प्लस है और 6 Cl माइनस है, देख रहे हैं आप, 6 Na प्लस है 6 Cl माइनस है, भाई दो दो चार और दो छह। अब ये बिफोर डिफेक्ट है, बिफोर डिफेक्ट, ठीक, स्टाचियोमेट्रिक है, स्टाचियोमेट्रिक अभी इस समय। अब आफ्टर डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, या हीट करिए, मान लीजिए क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं, तो बिफोर ये NaCl जो है, ये NaCl है, ठीक, NaCl में इस तरह का प्रोपोर्शन है, तो स्टाचियोमेट्रिक है इस समय। जैसे ही आपने हीट किया, सपोज करिए यहां से कोई भी एक एनायन, चूंकि एनायन वैकेंसी क्रिएट होनी है ना, तो यहां पे एक एनायन वैकेंसी क्रिएट, यानी हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, एक क्रिस्टल बना के दिखा देते हैं साथ साथ, सेम वही चीज है, यहां पे एक एनायन वैकेंसी, बाकी सेम। रेस्ट क्या होगा, सेम, ठीक है, ये एनायन वैकेंसी यहां पे क्रिएट हुई, यानी एक एनायन ये स्थान छोड़ के हट गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एनायन वैकेंसी। ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी जो है डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, डिफेक्ट में न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, वही चीज आपको समझना है। आपको हर डिफेक्ट में, डिफेक्ट बहुत आसान है, इत्मीनान से आप पढ़िए, इत्मीनान से देखिए चीजें एक एक करके, वो आपको आइडिया हो जाए। अब यहां से एक Cl- निकल गया है, अब आफ्टर डिफेक्ट देखिए यहां पे Na+ कितना है, 6 Na+ और 5 Cl-, रेशियो जो है चेंज हुआ नहीं, अब ये कंपाउंड बन गया नॉन स्टाचियोमेट्रिक, नॉन स्टाचियोमेट्रिक बन गया। लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अब यहां पे क्या है, कहां से कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अभी कहां से आएगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन आए और आ करके इसी एनायन वैकेंसी में ट्रैप कर जाए, आ करके इसी एनायन वैकेंसी में क्या कर जाए, ट्रैप कर जाए, एडजस्ट हो जाए। तो एनायन वैकेंसी में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर, इसे हम लोग एफ सेंटर यहां पे कहेंगे।
अगर एनायन वैकेंसी ट्रैप्ड कर दी जाए बाई इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर। एफ जो है एक जर्मन वर्ड होता है, जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फॉर्बिजन सेंटर, और फॉर्बिजन मीन्स होता है कलर। ये कलर से फॉर्बिजन सेंटर मतलब कलर से। अब देखिए यहां इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से ये न्यूट्रल हो गया। अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है और न्यूट्रलिटी मेंटेन भी, न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन है और आपका जो एफ सेंटर क्रिएट भी हो गया। तो एफ सेंटर की आने की वजह से भी क्रिस्टल कलर होगा, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन आपको यहां पे एक चीज ये समझना है कि इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस हुई। तो देखिए प्रॉपर्टी में लिखी है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, तो ये किसकी इलेक्ट्रिकल, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इंक्रीज है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपको लैटिस में मिल गया और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। दूसरा पैरामैग्नेटिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होगा, यानी पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। और आप जानते हैं और एफ सेंटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और एफ सेंटर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कलर के लिए। एफ सेंटर रेस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। इसका मतलब है अगर NaCl स्टाचियोमेट्रिक है, NaCl स्टाचियोमेट्रिक है तो ये आप जानते हैं व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलरलेस होता है, व्हाइट दिखाई देता है। लेकिन NaCl जो है अगर नॉन स्टाचियोमेट्रिक हो गया, नॉन स्टाचियोमेट्रिक हो गया तो ये कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, ये कैसा हो जाता है, येलो इन कलर हो जाता है। तो ये आपका जो है एनायन वैकेंसी की वजह से जो चेंजेस हुए वो चीजें आपने यहां पे ऑब्जर्व किया। अब अगर आप जो अभी हमने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है, कहां से आता है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हमने मान लिया जो NaCl का क्रिस्टल था, NaCl का क्रिस्टल, इसको अगर हम लोग जो है हीट करें सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, ये सोडियम वेपर, सोडियम वेपर, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपको मालूम है यहां पे क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, इस तरह से है। तो यहां पे सोडियम वेपर जो है ये आयनाइज होगा और Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब आप जानते हैं ये Na प्लस आयन इसमें से एक Cl माइनस को लेकर के और ये क्या बना देगा, NaCl के रूप में, और जहां से ये Cl निकलेगा उसी Cl के स्पेस को कौन ऑक्युपाई कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर देगा, और इस तरह से आपका जो है क्या क्रिएट हो जाएगा, एफ सेंटर क्रिएट हो जाएगा, और आप जो ये कलर होगा इसका वो येलो इन कलर आपको दिखाई देगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया क्या चीज, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टीशियल साइट, दूसरा है मेटल एक्सेस इफेक्ट में ही दूसरा है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो यहां पे क्या होता है,
जैसे जो इंटरस्टिशियल साइट होती है लैटिस में, उसमें कोई एक्स्ट्रा कैटायन जाकर ऑक्यूपाई करे। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल यहां पे है, जैसे आप जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, तो ये जिंक 2+ आयन + 2 इलेक्ट्रॉन + ½O2 में कन्वर्ट होता है, ½O2 में ये कन्वर्ट होता है। ये सीधा सीधा एक रिएक्शन है। और ये जानते हैं जिंक ऑक्साइड ये क्या होता है, व्हाइट होता है। ऑन हीटिंग जैसे आपने इसको हीट किया, टर्न्स येलो होता क्या है, जैसे अगर आप देखें तो Zn2+O2- 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 इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक, इस तरह का यहां पे अरेंजमेंट दिखाया है हमने। और ये जो गैप है बीच में, उस गैप को हम लोग कहते हैं इंटरस्टीशियल साइट। इस गैप को क्या कह रहे हैं, इंटरस्टीशियल साइट। इंटरस्टीशियल साइट जैसे ही आपने हीट किया, देखिए ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल गई, यानी ऑक्सीजन तो निकल गया यहां से। अब बचा कौन, जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन बचा, यानी जिंक आयन ये और इलेक्ट्रॉन बचा। ये जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन अब करेगा क्या, ये जा करके, चूंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, ये प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो जो ये जिंक आयन है, ये एक्सेस कैटायन इसे कहते हैं, एक्स्ट्रा या एक्सेस कैटायन मान लीजिए, ये एक्सेस कैटायन जाकर के इंटरस्टीशियल साइट में फिट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब ये एक्सेस कैटायन इंटरस्टीशियल साइट में फिट हो गया, तो ये जो इसकी न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर आप देखिए कितना लाइन है, तीन दूना छह Zn+2 थे और 6 O2- था, ये न्यूट्रल है। लेकिन आफ्टर डिफेक्ट, जैसे डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ये हो गए 7 Zn2+ आयन और 6 O2-। अब रेशियो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अगर रेशियो डिस्टर्ब हो गया, इस लैटिस में 7 Zn एक्स्ट्रा आ गया ना, ये कहते हैं एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टीशियल साइट, एक्सेस Zn2+ आयन ट्रैप्ड इनटू इंटरस्टीशियल साइट। जब ये एक्स्ट्रा Zn+2 आयन इंटरस्टीशियल साइट में ट्रैप कर जाएगा, अब इसको न्यूट्रल करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आकर के इंटरस्टीशियल साइट में इस तरह से ट्रैप कर जाएगा। अब क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आकर के ट्रैप हो जाएगा। तो कैटायन एनायन का रेशियो तो डिस्टर्ब है, लेकिन न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है। ये भी क्या होगा, न्यूट्रल, लेकिन ये कैसा है, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक। और ये कैसा है, स्टॉइकियोमेट्रिक। ये स्टॉइकियोमेट्रिक है, वो नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सीधे सीधे आप ये कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन आया यहां, अब इससे प्रॉपर्टी में क्या चेंज हो रहा है, देखिए प्रॉपर्टी में कैटायन आया और इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई, हाई हो गई। एक तो ये हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इंटरस्टीशियल साइट में प्रेजेंट है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ड्यू टू एक्सेस कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टीशियल साइट, इंटरस्टीशियल साइट ये क्या हो जाएगा,
ये शोज कलर, ये कलर शो, इस वजह से ये यहां पे कलर जो है शो करता है। तो ये आपका सीधे सीधे इसकी सहायता से आप प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था ड्यू टू एनायन वैकेंसी में, चूंकि वहां से लैटिस से क्या हो रहा था, लैटिस से एनायन निकल जा रहा था, यानी आयन की संख्या कम हो जा रही थी, तो वहां पे डेंसिटी कम हो जा रही थी, यानी जैसे आपने किसमें पढ़ा था, शॉर्ट की डिफेक्ट में। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जो कैटायन आ रहा है वो इंटरस्टीशियल साइट पे फिट हो जा रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, साइट कहीं गया नहीं, कुछ क्रिएट नहीं हो, वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई, इंटरस्टीशियल साइट फिल हो जा रही, तो यहां डेंसिटी क्या करेगी, वो राइज करेगी, डेंसिटी यहां राइज करेगी, और इससे पहले वाले एनायन वैकेंसी में डेंसिटी क्या हो रही थी भाई, डिक्रीज कर रही थी। तो ये आपका जो है सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, आपको ये बता दिया हमने। अब इसके बाद आइए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, डेफिशिएंसी, अगर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करते हैं तो हमने आपसे वही कहा ड्यू टू क्या है, कैटायन वैकेंसी, ये और एनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टीशियल साइट वाला, उसको रेयरली हमने बताया ही था। तो आइए डेवलप्स ड्यू टू, पहला ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, अगर हम लोग कैटायन वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें सीधे सीधे हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी कैटायन अपना नॉर्मल लैटिस साइट छोड़ करके हटेगा तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी। पहली चीज, मेटल के लिए जरूरी क्या है, मस्ट सोज व्हाट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल सोज मस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आयरन है, आयरन कट शो करता है Fe प्लस टू, दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, Fe प्लस थ्री, ठीक। तो हम एक आयरन ऑक्साइड लेते हैं, आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल ले रहे हैं, इसमें आयरन प्लस टू और O दो माइनस। अब यहां क्वेश्चन दिया गया है, यह जो इसका अरेंजमेंट Fe2 प्लस O2 माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस, Fe2 प्लस Fe2 प्लस O2 माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, इस तरह का ये अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक। इस तरह का अरेंजमेंट दिया गया, तो यहां पे हमने लिया टोटल कितने Fe प्लस टू है, सिक्स, और कितने O माइनस है, O2 माइनस है, सिक्स। इस तरह के कंपाउंड को आप क्या कह रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक। अभी ये स्टोइकोमेट्रिक है, अब हम सिचुएशन क्रिएट करने चल रहे हैं, हम ऐसा सिचुएशन यहां पे क्रिएट कर रहे हैं कि मान लीजिए, सपोज करिए अगर एक Fe प्लस टू आयन निकल जाए, एक Fe प्लस टू आयन निकल गया यहां से, तो ये हो गया कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी। अब आप देखिए आफ्टर डिफेक्ट, डिफेक्ट के बाद देखिए यहां आयरन Fe प्लस टू कितना बचा है, टू प्लस, और ऑक्साइड कितना बचा है, टू माइनस। अब इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन तो ऐड कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, हमें बढ़ाना क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने अभी कहा ना मेटल क्या शो करना चाहिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसी में से कोई भी दो मेटल आयन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर ले, जैसे यहां पे Fe प्लस टू है तो ये Fe प्लस थ्री हो जाए, और एक Fe प्लस थ्री ये हो जाए, यानी जो Fe प्लस टू आयन था वो कोई भी दो Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री हो जाए तो चार्ज की संख्या बराबर हो जाए, कैसे, अभी आपके पास Fe सॉरी आयरन कितने हैं, आयरन आपके पास एक दो तीन
चार पांच, पांच आयरन है, पांच आयरन में से जो है अब आपके पास जो है वो दो आयरन हो जाए या फिर प्लस टू या फिर प्लस थ्री, और तीन आयरन हो जाए या फिर प्लस टू। अब आप चार्ज देखिए, चार्ज अगर आप इसको देखेंगे तो दो तिहाई छह, छह दूना बारह प्लस, और यहां पर भी देखेंगे कितना आएगा बारह माइनस, दोनों बराबर है, बारह प्लस आ रहा है बारह माइनस आ रहा है। भाई अगर इस जो लैटिस है उसमें से दो आयरन प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट को एक्वायर कर ले तो ऑटोमेटिक है आपका जो डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हुई जिससे कि मेटल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर रहा है, और इस चीज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। आपने सुना होगा फूल्स गोल्ड, आयरन पायराइट, फूल्स गोल्ड होता है आयरन पायराइट, नाम सुना होगा फूल्स गोल्ड, जिसपे अगर लाइट पड़ती है तो वो गोल्ड की तरह जो है शाइन करता है, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना जिसे कहा जाता है। ये हो गया लास्ट आपका है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा आपने बताया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है भाई, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इम्प्योरिटी में क्या होता है, इम्प्योरिटी में सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इम्प्योरिटी में सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और किसी भी प्योर क्रिस्टल की बात करते हैं, प्योर क्रिस्टल लीजिए और उस प्योर क्रिस्टल में इम्प्योरिटी ऐड करिए, ऐड करिए तो जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है चेंज हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, डोपिंग कहेंगे। इम्प्योरिटी को प्योर क्रिस्टल में ऐड कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी जो है प्योर क्रिस्टल की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को आप डोपिंग कहें। तो यहां पर भी हम लोग यही चीज करने चल रहे हैं। NaCl का एक क्रिस्टल लिया, एग्जाम्पल देखिए, NaCl का एक क्रिस्टल लिया और उस NaCl के क्रिस्टल में जो है ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, और आपको मालूम है ईच स्ट्रॉन्शियम आयन, आपको गौर करने वाली बात है स्ट्रॉन्शियम यहां वैलेंसी कितनी शो करता है, दो प्लस, तो ईच स्ट्रॉन्शियम आयन रिप्लेसेस टू एन ए प्लस आयन, टू एन ए प्लस आयन फ्रॉम द लैटिस ऑफ, फ्रॉम द लैटिस ऑफ NaCl, NaCl का जो लैटिस है उससे दो एन ए प्लस को वो रिप्लेस करेगा, तो एक एन ए प्लस के स्थान पे स्ट्रॉन्शियम आएगा, दूसरा जो है वैकेंसी क्रिएट होगी। इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और आप जानते हैं इम्प्योरिटी का काम यहां कौन कर रहा है, SrCl2, और प्योर क्रिस्टल का काम कौन कर रहा है, NaCl। ठीक, ये यहां पे सिचुएशन क्रिएट हुई, हम बना के आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। अब देखिए इसको, जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये आपका प्योर क्रिस्टल हो गया, ये आपका प्योर क्रिस्टल हो गया। देखिए NaCl,
ये अगर आप इसको जो है स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ ऐड करते हैं, SrCl2 के साथ ऐड करते हैं, तो हमने अभी आपको कहा ना एक Sr2+ आयन बराबर 2Na+, एक Sr2+ आयन बराबर 2Na+। तो अगर यहां पे आप देखेंगे तो एक जगह हमने कैटायन वैकेंसी ही क्रिएट कर दी, Cl- Na+ Cl- स्ट्रॉन्शियम 2+ Cl- Na+ Cl- Na+ Cl-. अब ये देखिए डिफेक्ट, तो यहां पे जितने स्ट्रॉन्शियम आयन हैं उतने ही तो कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट। यानी आप कह सकते हैं ईच स्ट्रॉन्शियम आयन इज इक्वल टू द कैटायन वैकेंसी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्शियम आयन कितने Na+ को रिप्लेस करेगा, दो, तो एक जगह खुद जाएगा और दूसरी जगह ये Na+ आएगा, ठीक है भाई। और इसी वैकेंसी की वजह से, ड्यू टू वैकेंसी, इट शोज, क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी। कैटायन वैकेंसी की वजह से ये क्या शो करेगा, जैसे पॉजिटिव गोल नहीं पड़ा आपने, ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक। ऐसा ही एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं, कैडमियम क्लोराइड AgCl क्रिस्टल में अगर आप CbCl2 को ऐड करते हैं, ये हो गया डोपिंग प्रोसेस, तो इस तरह का डिफेक्ट आता है इसमें AgCl में, ठीक है भाई, इस तरह का डिफेक्ट आता है। इससे रिलेटेड कुछ थोड़े से साइड क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर उसके आगे चर्चा किया जाता है, ठीक। जैसे आपको आयरन दिया गया है, अगर आप ध्यान दीजिए, आपको आयरन दिया गया है, उस आयरन के बारे में अगर सपोज करिए, जैसे ये दिया है आयरन 0.96 और ओ दिया ऐसे कंपाउंड दिया गया, सपोज कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें पूछ ले विच डिफेक्ट शोज, कौन सा डिफेक्ट ये शो करेगा, तो आप देख रहे हैं ऑक्साइड निगेटिव आयन ज्यादा, पॉजिटिव आयन कम, तो पॉजिटिव आयन कम है तो इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, चूंकि आयरन है, आयरन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो कर रहा है, तो इसमें Fe2+ और Fe3+ का रेशियो भी पूछ सकता है, या Fe+2 का अमाउंट और Fe3+ का अमाउंट क्या होगा, या Fe2+ का परसेंटेज और Fe3+ का परसेंटेज कितना है, ये क्वेश्चन जो है इससे आ सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप ध्यान दीजिए इस चीज को, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पे देख रहे हैं ये क्रिस्टल कैसा है, ये तो पूरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अगर हम इसको थोड़ा से और डेसिमल को हटा दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वन हो गया ना, वन तो ही पूरा न्यूट्रल है, तो या फिर जो है अगर इसको 96 कर दें और ओ को 100 कर दें, ऐसे तो होगा, अगर डेसिमल हटा रहे हैं तो Fe जो है 96 और O जो है 100 हो जाए। अगर इसी में हम लोग मान लें, सपोज Fe2+ प्रेजेंट कितना है X, और Fe3+ कितना मान लेते,
पूरा 96 है तो 96 माइनस एक्स हो गया, हो गया भाई। पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, ऑक्सीजन पे कितना निगेटिव चार्ज होता है, 2 माइनस, तो 100 दुना 200 है, और ये पूरा मिला के कितना होगा 200। कंडीशन है भाई, जान लीजिएगा, क्योंकि न्यूट्रल है दोनों। अगर ये 200 है तो इन दोनों को 96 जो है ऐसा एडजस्ट करेंगे कि वो भी 200 हो जाए। तो अगर हम यहां पे ले लें तो देखिए x Fe2+ है तो 2x प्लस, और ये हो जाएगा कितना 3, 96 माइनस x कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 200। पूरा चार्ज जो है आप साइड का चार्ज लिया है इक्वल टू, सॉल्व करिए अगर इसको तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 96 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर कितना है 6 × 3 = 27, 288 माइनस 3x बराबर 200, और x बराबर क्या जाएगा 288 ले जाएंगे उधर, तो ये आ जाएगा 288 माइनस 200 इज इक्वल टू 2x और 3x कैंसिल कर दीजिए कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 88, यानी x 88 आ गया। x का मतलब क्या, आयरन प्लस 2, दिस इज आयरन प्लस 2। अब अगर आप इसको निकालना चाहें Fe प्लस 3 के बाद तो कितना हो जाएगा, Fe प्लस 3 को अगर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा, यानी Fe प्लस 3 इज इक्वल टू टोटल है 96, 96 में से इसको 88 हटा दिया आपने तो कितना आ गया 1, आयरन भी आ गया, आयरन प्लस 3 के आ गया ये, और ये आ गया। अब अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो तो टोटल कितना आयरन है, टोटल है परसेंटेज ऑफ Fe 2 प्लस, तो निकालना है परसेंटेज आयरन 2 प्लस कितना है 88, और टोटल आयरन कितना है 96, 96 है इंटू 100, ऐसे परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 3 निकाल लीजिए कितना है 8/96 इंटू 100, ये निकाल लेंगे आप, सॉल्व कर लीजिएगा ये आ जाएगा, ये पूछ लिया आपने। दोनों का अगर प्रपोर्शन पूछना है, रेशियो, जैसे देखिए दोनों का अगर यहां प्रपोर्शन पूछ रहे हैं Fe प्लस 2, Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3 का रेशियो जो आएगा, Fe प्लस 2 कितना आ रहा है 88, 88 आ रहा है भाई, Fe प्लस 3 2 का 8/88 आ जाएगा 1/11, ये आ जाएगा। परसेंटेज निकाल दिया आपने Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 की वैल्यू। इस तरह से जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करिए, सेल्फ ट्राई करिए, इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतना आप पढ़िए, इसके बाद जो है ये डिफेक्ट आपका कंप्लीट हुआ, आगे नेक्स्ट जो भी पढ़ना है उसको नेक्स्ट जो है वीडियो में अपलोड किया जाएगा। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने और साथियों से जो है चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और कमेंट के जरिए जो भी कमी आपको लग रही है उसे कहिए। थैंक यू।